जब हम पीयू पॉलिश करते हैं तो अपनी वीनियर को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कारपेंटर जब उसको लगा देते हैं तो जब तक वो लगाते हैं काम करते हैं तो साइड पे डस्ट उड़ता रहता है और हम उसको और वो वीनियर हमारी गंदी होती रहती है, उसके ग्रेन्स में जाता रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पूरी 8x4 की पूरी शीट ले लीजिए, जैसे हमने ये ले रखी है, और इसके ऊपर हम सैंडिंग कर रहे हैं। सैंडिंग हम कर चुके हैं, ये थोड़ी हल्की फुल्की सैंडिंग हम इसके ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आपको कहाँ तक कैसे करना है, किस तरह से इपॉक्सी लगाना है, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी शीट को नीचे रख लीजिए, उसको स्ट्रेट रखिए और उसके ऊपर सैंडिंग कर लीजिए। सैंडिंग आप 220 नंबर से कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि सैंडिंग की नीड नहीं है, कई बार सैंडेड वीनियर मिलती है, तो आप 320 से सैंडिंग कर लीजिए, लेकिन 220 से करना बेटर है, चाहे आप हल्के से कर लीजिए। और ये जो डस्ट आप देख रहे हैं, जितना भी डस्ट आपका आता है उसको आप हटा लीजिए, इस तरह से आप अच्छे से हटा लीजिए और उसको क्लीन कर लीजिए बिल्कुल से। जैसे हमने नीचे फ्लोर पे रखी है, आप बेटर है कि ऊपर ना रखें, नीचे ना रखें, ऊपर की तरफ रखें। ये देखिए ये इपॉक्सी है, ये 25 लीटर का पैकिंग है हमारा, और इसमें 12.5 लीटर का हमें हार्डनर मिलता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये हार्डनर है इपॉक्सी का, और ये 12.5 लीटर का होगा, एक और पैकिंग 12.5 लीटर की होगी, तो 25 लीटर हो गया, और 25 लीटर की ये हमारी बड़ी पैकिंग है। टोटल 50 लीटर ये हमारा मटेरियल हो जाता है। ये बड़ी पैकिंग है, आप छोटी पैकिंग भी ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले इपॉक्सी डाल लेते हैं, मतलब रेजिन डाल लेते हैं इपॉक्सी का, और ये इपॉक्सी के साथ में जो हार्डनर आता है वो डाल लेते हैं। आपको ये दोनों बराबर डालना है, जितना हमने इसमें इपॉक्सी डाला है, रेजिन डाला है इपॉक्सी का, उतना ही हम इपॉक्सी का हार्डनर इसके अंदर डालेंगे। हम दोनों को बराबर रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बल्कि हमें ये जो स्प्रे से करना है, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा स्प्रे से कि किस तरह से आपको करना है, तो इसलिए हम इसके अंदर थिनर भी डालेंगे। अभी हमने इसके अंदर हार्डनर डाला है, हार्डनर के बाद हम इसको पहले मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर थिनर डालेंगे। ये जो अब हम डाल रहे हैं ये थिनर है इसका, जो हमारा बड़ी पैकिंग है ये भी, हम थिनर इसके अंदर 20% डालते हैं हम इसमें, बल्कि हम थोड़ा सा और कम रख रहे हैं, हम 15% ही डाल रहे हैं। आप 20% तक इसको डाल सकते हैं और इसको फिर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें हार्डनर होता है। एक बार आपने अगर ये मटेरियल बना लिया तो फिर ये मटेरियल आपको यूज़ ही करना है, नहीं तो ये 4 से 6 घंटे बाद ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ये विनियर है, हमने देखिए जब स्प्रे करने लगे हैं तो हमने इसको ऊपर की तरफ रख लिया है, और इस पर अगर कहीं भी कोई निशान है या धूल है, डस्ट है, कुछ भी है, तो आप उसको हटा लीजिए, पहले क्लीन कर लीजिए, साफ़ सुथरी कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये स्प्रे करना है। अब जब आप इसको स्प्रे गन में डालें तो आप कपड़े से छान लें, जैसे हमने छाना है, जो कपड़ा आप लगा हुआ देख रहे हैं ये भी हमने इसी कपड़े से इसको छाना है, और छानने के बाद हम इसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे आपको क्रिस क्रॉस करना है, आप जैसे हम इसमें करेंगे तो हम लेफ़्ट से राइट करेंगे, लेफ़्ट से राइट पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आपको नहीं दिखाऊंगा ताकि आप बोर ना हो, मैं आपको एक साइड से ही ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये हम इपॉक्सी को डालने लगे हैं अब वीनियर के ऊपर। तो आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपका जो ग्रेन्स है आपकी वीनियर का, वो धूल और डस्ट से भरेगा नहीं और वो साफ़ सुथरा रहेगा, और फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी। जब हम इस प्रोसेस के साथ करते हैं तो जो फिनिशिंग है, जो आउटपुट है, वो बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, इसमें ये आपको रिस्क रहता है कि जो कारपेंटर काम करता है तो उससे कई बार कहीं पर स्क्रैच आ जाता है या कहीं पर कोई डेंट पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। वो आप वुड फिलर से या जो भी जिस तरह से भी आप रिपेयर करते हैं, उस तरह से रिपेयर करके आपको उसको भरना होगा, फिल करना होगा। लेकिन वीनियर के ग्रेन्स को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हम इपॉक्सी लगा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर से, मतलब लेफ्ट से राइट हम लगा रहे हैं, फिर हम ऊपर से नीचे लगाएंगे तो फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये सिर्फ ये लेफ्ट से राइट करके दिखा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं कर लूँगा। आपको क्रिस क्रॉस करना है ऊपर से नीचे और लेफ़्ट से राइट, इस तरह से आपको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़रूर से आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी हमारी वीडियो, और उससे जो पेंटर भाई हैं उनको सीखने मिलेगा, और जो क्लाइंट्स हैं उनको पता लगेगा कि काम कैसे कराना चाहिए, ताकि उनका जो पैसा लग रहा है उसकी सही आउटपुट और अच्छी आउटपुट उनको मिले और उनका काम भी अच्छा हो। किसी का पैसा लगता है तो उसकी आउटपुट उनको इतनी कम से कम मिलना चाहिए जितना उनका पैसा लग रहा है। पीयू एक बहुत महंगी पॉलिश है, अगर इतना पैसा लगाने के बाद भी क्लाइंट को सही आउटपुट ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं पेंटर भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।